If you want to clear NEET in one single attempt, then these are the five tips you need to follow. पहली चीज है, आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करनी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है. आपने पढ़ाई की शुरुआत तो बहुत अच्छी की, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी पढ़ने की इच्छा खत्म होती जा रही है. ऐसा नहीं होना चाहिए. इफ यू वॉन्ट टू क्लियर नीट विद अ वेरी गुड स्कोर एंड यू वॉन्ट टू गेट इन टू द मेडिकल कॉलेज इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर. सेकेंड बात आती है, आप एनसीईआरटी को रिलीजियसली फॉलो करें. आप एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारे रेफरेंस बुक्स को फॉलो ना करें. कोशिश करें कि आप एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और एनसीईआरटी के ही हिसाब से अपने नोट्स को क्रिएट करें. थर्ड आता है कि आप अपने टीचर्स को बार बार चेंज ना करें. आप एक टीचर ले रहे, वही टीचर से साल भर पढ़ने की कोशिश करें. अगर आपको लग रहा है कि वो टीचर आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा है अब आगे, तो आप अपने टीचर को चेंज कर सकते हैं, पर डूइंग दैट ऑन वेरी रेगुलर बेसिस इज नॉट रिकमेंडेड. चौथी बात यह है कि आपको बीच बीच में कई बार ऐसा फील होगा दैट आई वॉन्ट टू गिव अप नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू यू नो डू MBBS, आई डोंट वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर नीट. ऐसी बार बार फीलिंग आती है बीच बीच में. वेन एवर वी आर डूइंग समथिंग मोनोटोनसली, हम एक ही चीज को लगातार करते हैं, तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि सम मोमेंट ऑफ टाइम हमारे दिमाग में एक रिसेशन का फेज आ जाएगा कि अब और नहीं करना चाहते. और जब ये फेज आ जाता है बच्चों, तब इस फेज पर गिव अप नहीं करना है. यू कैन टेक रेस्ट, यू आर ह्यूमन बींग, यू आर नॉट अ मशीन. आप ब्रेक ले सकते हैं, आप अपने इच्छा के अनुसार कोई भी काम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. आप बाहर घूमने जा सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं. और अगर लगे कि आज दिन भर कुछ नहीं पढ़ना है तो ना पढ़ो, एक दिन का ब्रेक ले लो, पर डू नॉट गिव अप. ये डिप्रेसिव फीलिंग बार बार दिमाग में लेके आना कि मेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं होना चाहिए. इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप बार बार ब्रेक ही ब्रेक ले जा रहे हैं. ब्रेक ले सकते हैं, बट ब्रेक भी ऐसा होना चाहिए कि आप वीक में टायर्ड फील कर रहे हैं किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे, तो आपने आधा दिन ऐसा दे दिया कि अभी नहीं पढ़ना. ओके. एंड पांचवी बात यह है कि आप लोगों को बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैरी कर रहे हैं. स्पेशली वो किताबों के क्वेश्चंस तो आपको जरूर लगाने हैं. नीट के अंदर रिपीटेटिव क्वेश्चंस आने के चांसेस, रिपीटेटिव टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं. और अगर हम लोग हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस को शुरू से ही बरकरार रखते हैं, तो बाय द एंड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस लग चुके होते हैं. हमारे माइंड में ये क्लैरिटी आ जाती है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और हम अकॉर्डिंगली हमारे रिविजन सेशंस को प्लान कर पाते हैं.